हेलो एंड वेलकम टू जी मैक्स स्टूडियोज। अगर आप सोच रहे हैं कि ये शॉट इतना स्टेबल कैसे है जबकि हमारी गाड़ी मुंबई की खतरनाक सड़कों पे चल रही है, तो इसकी वजह है कि हम ये शॉट 3-axis गिम्बल पे ले रहे हैं, ज्यून क्रेन 2 पे, क्योंकि आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। ट्रेडिशनली अगर हम फिल्म मेकिंग की बात करें तो मूवमेंट वाले शॉट्स हमेशा ट्रैक्स, डॉली, जिब या क्रेन से लिए जाते थे, लेकिन बदलते वक्त और फिल्म मेकर्स की बढ़ती डिमांड्स ने एक नए किस्म की डिवाइस को जन्म दिया। इस डिवाइस को 3-axis गिम्बल कहते हैं और ये कैमरा को 3 axis पर स्टेबिलाइज करता है, रोल, पैन और टिल्ट। आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रोल, पैन और टिल्ट क्या होते हैं। अगर कैमरा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो उसे पैन कहते हैं, और अगर कैमरे का लेंस ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसे टिल्ट कहते हैं, और अगर कैमरा हॉराइजन लाइन पे मूव कर रहा है तो उसे रोल कहते हैं। बाकी सभी गिम्बल्स की तरह ज्यून क्रेन 2 भी कैमरा को 3 axis पे स्टेबलाइज करता है, यानी रोल, पैन और टिल्ट। इसका मतलब यह है कि आप कैमरा को कैसे भी ऑपरेट करें, आपका शॉट हमेशा स्टेबल रहेगा। ज्यून क्रेन को हाथ में लेते ही ऐसा महसूस होता है कि एक बहुत ही भरोसेमंद, मजबूत और प्रोफेशनल इक्विपमेंट है। लेकिन जहां ज्यून क्रेन 2 बाकी कंपटीशन को पीछे छोड़ देता है वो है उसकी मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी, जो कि 3.2 किलोग्राम्स है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी ऑफ 3.2 किलोग्राम से आप क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इस पे एक बड़ा DSLR जैसे कि 5D Mark III या Mark IV, एक 16-35 2.8mm लेंस के साथ माउंट कर सकते हैं। कुछ लोग इस पे Canon 1D X Mark II भी माउंट करने में कामयाब रहे हैं। ज्यून क्रेन 2 में दो और फीचर्स हैं जो काबिले तारीफ हैं। पहली है इसकी बैटरी, जो कंपनी का दावा है कि सही कैमरा और सही बैलेंसिंग से आप इसे 18 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, सही अडैप्टर के साथ आप USB के जरिए अपने कैनन कैमरास को इससे चार्ज या पावर भी कर सकते हैं। दूसरा फीचर है इसका बिल्ट इन फॉलो फोकस, जिसके जरिए आप लेंस का फोकस शूटिंग करते वक्त कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल ये फंक्शनैलिटी सिर्फ कुछ ही कैमरास पे अवेलेबल है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि फर्मवेयर अपडेट के जरिए ये फंक्शनैलिटी बाकी कैमरास तक भी पहुंच जाएगी। मगर छोड़िए, ये सब तो कागजी बातें हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि बतौर फिल्म मेकर या वीडियो शूटर के आप किस तरह के शॉट्स हासिल कर सकते हैं इस गिम्बल के जरिए, तो पेश है ये एक नमूना।
ज्यून क्रेन 2 में प्राइमरली तीन मोड्स हैं। पहला है पीएफ या पैन फॉलो मोड। इस मोड में आप गिम्बल को जिस तरफ पैन करेंगे आपका कैमरा भी उसी तरफ पैन होगा और इस मोड में आप कुछ इस तरह के शॉट्स ले सकते हैं। इस मोड में आप कैमरा को जॉयस्टिक के जरिए टिल्ट अप या टिल्ट डाउन कर सकते हैं। दूसरा मोड है एल या लॉक्ड मोड। इस मोड में आपका कैमरा लॉक्ड रहता है भले ही आप गिम्बल को किसी भी तरफ घुमाएं। इस मोड में आप कैमरा को पैन या टिल्ट दोनों ही जॉयस्टिक के जरिए कर सकते हैं। तीसरा मोड है एफ या फॉलो मोड। इस मोड में कैमरा गिम्बल को फॉलो करता है भले ही आप उसे पैन करें या टिल्ट करें। इस मोड में जॉयस्टिक के जरिए आप कैमरा को सिर्फ और सिर्फ रोल कर सकते हैं। ज्यून क्रेन 2 के कुछ और फीचर्स जो काबिले जिक्र हैं वो है सीमलेस 360 डिग्री रोटेशन, जिसकी वजह से कैमरा पूरे 360 डिग्रीज घूम सकता है, और लो एंगल या ब्रीफकेस मोड, जिसके जरिए आप लो एंगल शॉट्स बहुत आसानी से ले सकते हैं। इस गिम्बल के साथ एक एंड्रॉयड और आईफोन के लिए कंपेनियन ऐप भी आता है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके जरिए अपने गिम्बल के कई फीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैनन यूजर हैं तो ये गिम्बल आपके लिए कमाल का है, क्योंकि गिम्बल पे बने डायल से आप अपने कैमरा के कई फीचर्स जैसे एफ स्टॉप, शटर स्पीड, लाइव व्यू, आईएसओ एंड ऑफ कोर्स स्टार्ट एंड स्टॉप रिकॉर्डिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ खामियों की। अगर आपका कैमरा सही तरीके से बैलेंस नहीं है तो आपकी बैटरी 18 घंटे नहीं चलेगी, क्योंकि अनबैलेंस्ड कैमरा होने की वजह से मोटर पे बहुत जोर आता है और मोटर्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कैमरा को स्टेबलाइज करने के लिए। दूसरी बात ये कि कैमरा के वजन के हिसाब से ही मोटर फोर्स एडजस्टमेंट को एडजस्ट करें। मोटर फोर्स एडजस्टमेंट और आपका कैमरा मॉडल एकदम सही मैच होना चाहिए, वरना आपके कैमरा और गिम्बल का तालमेल बिगड़ सकता है। मेरे हिसाब से इस गिम्बल का हैंडल या ग्रिप बहुत ज्यादा मोटा है, जिसकी वजह से हाथों को थकान बहुत जल्दी महसूस होने लगती है। एक और बड़ी खामी मेरे हिसाब से ये है कि इसके जो एडवांस्ड फंक्शंस जैसे फॉलो फोकस, आईएसओ चेंज, एफ स्टॉप, शटर स्पीड, लाइव व्यू वगैरह सिर्फ कैनन कैमरास के साथ कंपैटिबल है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि फर्मवेयर अपग्रेड के साथ ये फंक्शंस बाकी कैमरास में भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस वक्त बाकी सभी कैमरास इस गिम्बल के जरिए सिर्फ स्टॉप या स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सौ बात की एक बात, ये काफी अच्छा गिम्बल है और ज्यून ने इस गिम्बल के साथ कई छोटी छोटी ऐसी चीजें दी हैं जो बहुत काम आती हैं, जैसे कि लेंस सपोर्ट जो भारी लेंसों को सपोर्ट करता है। साथ में एक छोटा सा ट्राइपॉड भी है जिसपे रख के आप गिम्बल को बैलेंस कर सकते हैं। सारे कैमरास को कनेक्ट करने के लिए जिन केबल्स की जरूरत होती है वो बॉक्स के साथ ही आते हैं। ज्यून क्रेन 2 के साथ कई ऑप्शनल एक्सेसरीज भी मिलती हैं जिन्हें अगर आप चाहें तो अलग से खरीद सकते हैं, जैसे एक्सटेंडेड हैंडल और ब्लूटूथ रिमोट। अगर आप जानना चाहते हैं कि ज्यून क्रेन 2 या और किसी गिम्बल को कैसे बैलेंस किया जाता है तो हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलें।
फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी के लिए और वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, मगर साथ ही में हमारे मेन चैनल जी मैक्स स्टूडियोज को भी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक बाय बाय।